नाज़रीन, 11 मार्च को भारत ने अग्नि 5 का एक तजुर्बा किया और ये मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल मर्व। एक हफ्ते बाद उनके साइंटिस्ट इतने तेज हैं कि वो एक महीने के अंदर वो हजार हजार वाला भी बना देंगे। आपको क्यों लग रहा है ये मिसाइल जो है चाइना के लिए टेस्ट किया गया? मसला है यहाँ पर चुदराहट का, ये सेंट्रल एशिया में और ये सारे खित्ते में। मिसाइल हमारी सरहद में 200-250 किलोमीटर अंदर तक आ जाता है और हमारा डिफेंस सिस्टम कहाँ है भाई? हम दुनिया को कहते हैं जी कि हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, हमारा डिफेंस बड़ा मजबूत हो गया। भाई आपके डिफेंस को तो उनके एक मिसाइल ने एक्सपोज कर दिया। इंडिया ने एक मिशन दिव्यास्त्रा जो है वो कम्प्लीट किया है, जिसमें बेसिकली अग्नि 5 मिसाइल जो है जिसको टेस्ट किया गया है विद MIRV टेक्नोलॉजी, विच मीन्स मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री वही। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज के इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया में बात हो रही है भारत के अग्नि 5 मिसाइल के बारे में। दोस्तों कुछ ही दिन पहले भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया। दोस्तों इस मिसाइल के द्वारा चीन और पाकिस्तान को भारत आसानी से तबाह कर सकता है। दोस्तों जहां बात करें चीन की, तो चीन के बीजिंग शहर तक अग्नि 5 मात्र 12 मिनट में और पाकिस्तान को 2-3 मिनट में ही तबाह कर सकता है। तो दोस्तों इस पे पाकिस्तानियों का रिएक्शन देखने को मिला है, तो आइए देखते हैं। भारत ने अग्नि 5 का एक तजुर्बा किया और ये मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल मर्व, जो कि एक ही मिज़ाइल पे 3 वॉर हेड्स लगा देते हैं, उससे भी ज़्यादा शायद हो सकते हैं। तो ये बड़ा एक टेक्नोलॉजी है जो कुछ ममालिक के पास है, जिसमें P5 कंट्रीज़ हैं, चाइना, रशिया, फ्रांस, UK और US। और अब भारत ने भी ये टेस्ट करके एक लिहाज से इस टेक्नोलॉजी पे अबूर हासिल कर लिया है, उसकी बहुत बड़ी कामयाबी है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसका ऐलान भी किया जब ये टेस्ट हो गया, उनके नज़दीक का कामयाब तजुर्बा हो गया। तो पूरा भारत बड़ी खुशियां मना रहा है कि जी हमने चीन को भी वाज़े पैगाम दे दिया है, पाकिस्तान को भी वाज़े पैगाम दे दिया है। अब हम एक ही मिसाइल पे बहुत से वॉर हेड्स लगा के और एक ही वक्त में कई टारगेट को हम निशाना बना सकते हैं, तो सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो भारत कामयाबी तो भारत की है, तो उसमें कोई भी जो मुल्क है वो एक दूसरे को स्पेस देने के लिए तैयार नहीं है। जंग लड़ने के लिए आपका जज्बा, आपकी विल, आपका दिल, ठीक है, राइट टाइम पे राइट डिसीजन। की बात सुने, जब ये जंग की सूरत हाल पैदा होती है तो जज्बा और विल तो फिर हर कंट्री में बराबर की देखी जाती है ना। आज कल वो जंग नहीं कि आपने तलवारें निकालनी और आपने जंग करना शुरू कर देनी है। आजकल जंग है मीडिया की, आजकल जंग है ये आपके साइबर सिस्टम की। सर आपको पता है कि इस मिसाइल की रेंज में पूरा चीन आता है? यहाँ तो ये टेबल पे आके एक दूसरे को मान ले तो सही है, वरना फिर ये वार की तरफ जाएंगे, ऑब्वियसली जाएंगे और ये होनी होनी है। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों इंडिया ने एक मिशन दिव्यास्त्रा जो है वो कंप्लीट किया है, जिसमें बेसिकली अग्नि 5 मिसाइल जो है जिसको टेस्ट किया गया है विद MIRV टेक्नोलॉजी, विच मीन्स मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी से बोलते हैं, मैं इसके ऊपर बात करता हूँ। और ये अब इंडिया जो है जॉइंस द क्लब ऑफ द नेशंस विच हैव दिस MIRV कैपेबिलिटी। सो ये बेसिकली सारे का सारा जो है ये जो सिस्टम है, एक तो इंडिजिनस एवियोनिक्स पे है, कहते हैं हाई एक्यूरेसी सेंसर्स हैं एंड ऑल दैट। और मज़े की बात है, ये जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं फॉर मिशन दिव्यास्त्रा वो एक खातून है। ये जो कहा जाता है कि ये जो मिसाइल है ये मल्टीपल वॉर हेड्स लेके जा सकता है डिफरेंट लोकेशंस में, और जैसे मैंने बताया कि इसकी जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी वो एक खातून थी। और इंडिया इस वो सेलेक्ट ग्रुप्स में चला गया है जिनके पास ये कैपेबिलिटी मौजूद है। अमेरिका इंडिया के साथ है और इस खत्ते पे जो होल्ड था चाइना का, उस डोमिनेंसी को कम करने के लिए ये जो है अमेरिका ये फंड कर रहा है। और ये जो टेक्नोलॉजी है ना, ख़ास तौर पे ये टेक में इंडिया काफ़ी आगे जा रहा है, तो वो ये टेक्नोलॉजी जो उसके पास इन द फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस, इन सब चीज़ों को यूज़ करके वो लेटेस्ट मिसाइल जो है वो चीज़ उस पर जो है काम कर रहे हैं। चाइना फिलहाल घबरा तो रहा, मगर एट द एंड देखा जाए तो उस पर टेक्नोलॉजी काफ़ी है, इसके पास एंटी मिसाइल सिस्टम है उसके पास, तो इंडिया जितना मर्जी कोशिश कर ले मगर वो उसका मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि अभी वो शो नहीं करवा रहा है। चाइना बहुत टेक्नोलॉजी में आगे।
तो दोस्तों देखा आपने पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया भी मानता है कि भारत इस समय काफ़ी ताकतवर हो चुका है और हथियारों के रेस में भारत पाकिस्तान से काफ़ी आगे निकल चुका है और चीन की टक्कर दे रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों कमेंट बॉक्स में अग्नि 5 मिसाइल के बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा।